कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ रही है। देश में अब मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक सबसे ज्यादा अमेरिका ने अपने यहाँ लोगों को खोया था, जहाँ इस वायरस से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहाँ ये इससे मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख होने वाला है। लेकिन अब भारत भी इन देशों में शामिल हो गया है और देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुँच चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें ना काफी साबित हो रही हैं। इन कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में शुक्रवार को इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से अब तक कुल 10,29,719 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अमेरिका में सबसे ज्यादा 2,12,912 मौत हुई है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 1,03,23 है। कोरोना से मौत के मामले में भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में कोविड-19 से अब तक 1,44,767 जाने जा चुकी है। सितंबर में ही देश में कुल कोविड-19 केस के 41.53% यानी 26,21,418 नए मामले सामने आए। भारत 64,38,968 कोरोना केस के साथ अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा 75,07,524 कोरोना के केस हैं। दुनिया में अब तक 2,57,73,764 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें भारत में 54 लाख लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद ब्राजील में 42,12,772 और उसके बाद अमेरिका में 47,50,176 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 37 मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,438 पर पहुंच गई। यहां कोविड-19 के 2,920 नए मामले सामने आए, जिसके साथ संक्रमण के कुल 2.85 लाख मामले हो गए हैं। इससे पहले 29 सितंबर को 48 संक्रमितों की मौत हुई थी, जो 16 जुलाई के बाद एक दिन में संक्रमण के कारण मरने वालों की सर्वाधिक संख्या थी, जब शहर में 58 लोगों की मौत हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 15,591 नए मामले सामने आए और 424 लोगों की मौत हुई और 13,294 डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद राज्य में कुल मामले बढ़कर 14,16,513 हो गए हैं, जिनमें से 37,480 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दरअसल सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि अब कमान सरकार के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में आ चुकी है। इसलिए लोगों को खुद ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। जब तक इस वायरस की कोई कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक आप मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए, क्योंकि आपकी जान बेहद कीमती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।